आज साथी बुलंद इकबाल साहब को बिछड़े हुए उनके साल भर का अरसा बीत गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल ही की बात है। मुझे आज भी वो तहरीक याद है, ग्रीन मालेगांव के नाम से मालेगांव में सफाई हो, इस तहरीक को लेकर वो चले थे और गांधी पुतले के पास से उन्होंने तहरीक का आगाज किया था। वहाँ वक्त तो कम था और हालात ऐसे थे कि सिर्फ एक आदमी को तकरीर करना है। बुलंद इकबाल का बड़ापन था, उनका बड़ापन तो उन्होंने माइक मुझे दिया, कहा कि अल्ताफ भाई आप तकरीर करो। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि किसी के अंदर अगर सलाहियत थी तो वो अपने साथ मिला लिया करते थे, ये नहीं सोचा करते थे कि कहीं आज निकल जाए मुझसे आगे तो नहीं चला जाए। वो हमेशा लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर निकलते थे, गरीबों की एक आवाज़ थे, वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाया करते थे। मैं तो उनके लिए यही कहूँगा, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर मुनव्वर से भर दे, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस में आला आला मुकाम अता कर और हमें उनका नेमत बदल अता।